क्लास ट्रीमाटोडा, ट्रीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लूक्स, इनको फ्लूक्स भी कहा जाता है, और जो क्लास ट्रीमाटोडा है ये फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस की थर्ड क्लास है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो इसका जो फाइलम है वो है प्लैटीहेलमिंथेस, और ये क्लास जो है दैट इज़ ट्रीमाटोडा। और जो क्लास ट्रीमाटोडा है इसके अंदर टू सब क्लासेस पाई जाती हैं, सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड सब क्लास डाइजीनिया। इसके अलावा क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर एक और टॉपिक है जो कि है ट्रीमाटोड्स पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो ट्रीमाटोड पैरासाइट्स पाए जाते हैं उनको भी हम इस क्लास ट्रीमाटोडा के टॉपिक के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो जो क्लास ट्रीमाटोडा है इसके अंदर पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स पाए जाते हैं। पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स के बारे में मैंने बताया कि जो पैरासाइट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर फीड करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको कहते हैं पैरासाइट्स। तो जो क्लास ट्रीमाटोडा है ये इनके अंदर भी पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एंडो पैरासाइट्स पाए जाते हैं। मैंने बताया कि कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस के ऊपर रहकर फीड करते हैं, लेकिन एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर रहकर फीड करते हैं। तो जैसे कि क्लास मोनोजीनिया के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मोनोजीनियंस जो होते हैं वो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, फिशेस की बॉडी के ऊपर वाली सरफेस पर रहकर फीड करते हैं। लेकिन क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर जो फ्लैटवर्म्स हैं दीज आर एंडो पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये एंडो पैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एंडो पैरासाइट्स मीन्स दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर फीड करते हैं। तो अब हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर। तो जो ट्रीमाटोड्स होते हैं इनके अंदर 8,000 स्पीशीज़ ऑफ पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, 8,000 स्पीशीज़ होती हैं। इसके अलावा ट्रीमाटोड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूक्स। जो ट्रीमाटोड्स होते हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इनको फ्लूक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है दे आर वाइड एंड फ्लैट शेप्स, वाइड होते हैं और फ्लैट शेप्ड होते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें तो ये कहाँ पर रहते हैं, तो जितने भी एडल्ट फ्लूक्स होते हैं, जितने भी एडल्ट पैरासाइट्स होते हैं ट्रीमाटोड्स, वो रहते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ऑल एडल्ट फ्लूक्स आर पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट, जितने भी एडल्ट फ्लूक्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स होते हैं। और उसके अलावा जो इनकी इमेच्योर फॉर्म होती है यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है, द इमेच्योर स्टेज आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, वो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा दे आर आल्सो इंसिस्टेड ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के ऊपर के ये एक इंसिस्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर जो है ये एक इंसिस्टेड कहते हैं, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है कि इनके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग बन जाती है। तो इस तरह ये एक पाउच की फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इनका हैबिटेट के जो एडल्ट होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, इमेच्योर स्टेजेस इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और इसके अलावा इंसिस्टेड फॉर्म में ये प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब इनका हम साइज देखें तो मोस्ट फ्लूक्स आर फ्लैट एंड ओवल टू इलोंगेट, ये फ्लैट भी हो सकते हैं बिल्कुल ऐसे चिपटे हुए, ओवल भी हो सकते हैं अंडे की तरह, और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं लंबे। इसके अलावा साइज़ जो है, साइज़ रेंजेस फ्रॉम लेस देन 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। 1 मिलीमीटर से छोटा भी साइज़ होता है और 6 सेंटीमीटर तक ये जा सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो दे फीड ऑन होस्ट सेल एंड सेल फ्रैगमेंट, जिस होस्ट की बॉडी के अंदर ये रहते हैं उसके सेल्स पर फीड करते हैं और सेल्स के फ्रैगमेंट्स पर फीड करते हैं। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहता है इसके अंदर माउथ आता है और मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स होता है, एक माउथ होता है सबसे पहले, उसके बाद एक मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स होता है, वो फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर मसल्स लगे होते हैं, तो इसलिए उसको कहा है कि मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स क्या करता है, फूड को उसके अंदर इंटेस्टाइन में भेजने का काम करता है, उसके मस्कुलर जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फूड जो माउथ में वो इंटेक करता है वो फेरिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फिर नीचे इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इसलिए इनका जो मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स होता है, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाता है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इट डिवाइड इनटू टू ब्लाइंड एंडिंग्स। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो टू डिवाइड हुआ होता है टू ब्लाइंड एंडिंग्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। सबसे पहले एक माउथ होता है, इसको ओरल सकर भी कहते हैं। उसके बाद ये मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स आ गया, यहाँ पर फूड आएगा, तो उसके बाद नीचे हम देख सकते हैं कि ये टू ब्लाइंड एंडिंग्स बनाई हुई हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये डिवाइड हुआ है इनटू टू ब्लाइंड एंडिंग।
ये जो ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं इनको सीका कहते हैं। सीका अगर दोनों हैं तो दोनों को सीका कहेंगे, अगर सिंगल है तो उसको सीकम कहेंगे। तो इस तरह का इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक डिवाइड्स इनटू टू ब्लाइंड एंडिंग्स एंड ब्रांच्ड पाउचेस। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये जो डाइजेस्टिव इनकी जो एंड ब्लाइंड एंडिंग्स हैं ये ब्रांच्ड हुई होती हैं, ठीक है, आगे से इनकी काफ़ी ब्रांचेस निकली होती हैं, तो उनको भी क्या कहेंगे, दीज पाउचेस आर कॉल्ड सीका। वो जो उनकी ब्रांचेस होंगी उनको भी सीका का नेम देंगे। किसी में ब्रांचेस होती हैं किसी में नहीं होती। नेक्स्ट है सम फ्लूक्स आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस देयर बॉडी वॉल। कुछ जो फ्लूक्स होते हैं वो एक तो उनका मेथड हो गया कि वो फीड करते हैं माउथ के थ्रू, दूसरा कुछ फ्लूक्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बॉडी वॉल के थ्रू न्यूट्रंस को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी बॉडी सरफेस के अंदर ही पोर्स वगैरह होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू वो न्यूट्रंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर स्टडी करते हैं, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड टैगमेंट। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक आउटर लेयर पर कंसिस्ट करती है जिसको टैगमेंट कहते हैं। तो एपिडर्मिस जो है उसके अंदर क्या, एक आउटर लेयर होती है जिसको टैगमेंट कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है टैगमेंट फॉर्म सिंसीशियम। टैगमेंट जो है ये एक आउटर लेयर है और ये टैगमेंट क्या करती है, एक और चीज़ को बनाती है जिसको सिंसीशियम कहते हैं। अब सिंसीशियम क्या होता है, सिंसीशियम इज़ अ कंटिन्यूस लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स। बहुत सारे फ्यूज्ड सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक कंटिन्यूस लेयर बना देते हैं जिसको कहते हैं सिंसीशियम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एपिडर्मिस होती है वो कंसिस्ट करती है एक आउटर लेयर पर जिसको टैगमेंट कहते हैं, और टैगमेंट जो होती है वो सिंसीशियम को बनाती है। और सिंसीशियम क्या है, सिंसीशियम फ्यूज्ड सेल की एक कंटिन्यूस लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, द आउटर जोन ऑफ टैगमेंट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक्स। अब ये जो टैगमेंट होती है, ये जो टैगमेंट होती है इसका जो आउटर जोन होता है, जो बाहर वाला जोन होता है वो उसको क्या कहते हैं, आउटर जोन जो है वो कहलाता है ग्लाइकोसिलिक्स। अब जो ग्लाइकोसिलिक्स होता है इसके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब ग्लाइकोसिलिक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक लेयर ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो आउटर जोन है जिसको ग्लाइकोसिलिक्स कहते हैं ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है और इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो ग्लाइकोसिलिक्स होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स जो है करता है, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, जो फ्लूक्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है। जो फ्लूक्स होते हैं वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं तो उनके होस्ट की बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम से उसकी बॉडी के टॉक्सिक इन्वायरमेंट से जो फ्लूक्स को ये प्रोटेक्शन देता है ग्लाइकोसिलिक्स। इसके अलावा जो ये आउटर जोन है इसके अलावा इसके अंदर कुछ माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोविलाई का फंक्शन यही होता है कि वो न्यूट्रंस को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये थी इनकी बॉडी वॉल। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम के अंदर ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ये रेड वाला इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें मैंने बताया कि ये एक ओरल सक्कर होता है इनके पास जिसको माउथ भी कहते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स होता है और यहाँ पर छोटी सी एसोफेगस होती है मस्कुलर फेरिंग्स के बाद। उसके बाद ये टू ब्लाइंड इंटेस्टाइन आ जाती हैं, ठीक है, ब्लाइंड इंटेस्टिनल सीकम। ये ब्लाइंड इंटेस्टिनल सीकम है इधर वाला और ये है इधर वाला। तो ये हो गया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रेड वाला। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर दो टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है इनके पास। उसके बाद वास एफिरेंस होते हैं। वास एफिरेंस जो है ये एक डक्ट होती है जो टेस्टिस से आगे निकलती है और इसके बाद यहाँ पर ऊपर जाकर एक और डक्ट आती है जिसको कहते हैं वास्ट डिफिरेंस। वास्ट डिफरेंस जो है इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नेम जो है स्पर्म डक्ट है। तो जो टेस्टिस के साथ अटैच होती है इसका नेम है वास एफिरेंस और उसके बाद जो ऊपर ऊपर वाली जो है उसको कहते हैं वास डिफरेंस, इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको सीरस कहते हैं। ये सीरस सैक है, यहाँ पर ये वाली जो मैंने सैक सी बनाई है इसको कहते हैं सीरस सैक। अब जो सीरस सैक है इसके अंदर सेमिनल वेजिकल होता है, ठीक है, सेमिनल वेजिकल वो वाला ऑर्गन होता है इसके अंदर जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं और इसके अंदर कुछ प्रोस्टेट्स ग्लैंड्स होते हैं। वो प्रोस्टेट्स ग्लैंड जो होते हैं वो स्पर्म को लुब्रिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो यहाँ पर प्रेजेंट है।
अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर ओपन करके जूम करके ज़रा देखें तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर दो पेयर ऑफ टेस्ट, एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके बाद ये इसकी वैस एफिरेंस और ऊपर वाली यहाँ पर ये वैस डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला ये सेमिनल वेजिकल है जिसके अंदर स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन इसको कहते हैं। और इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है अंदर वाला ये वाला इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये वाली जो है ये क्या है सीरस सैक है, सीरस सैक कहते हैं इसको, ये जो पूरी सैक है इसको सीरस सैक कहते हैं। ये इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है इसको पेनिस कहते हैं। और यहाँ पर क्या है जेनिटल पोर आ गया, जेनिटल ओपनिंग आ गई इस जगह पर। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर तो इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओवरी होती है, ये वाली ओवरी है, उसके बाद ओविडक्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये ओवरी, ओवरी के बाद ये ओविडक्ट स्टार्ट हो गई है। और ओविडक्ट जो है ये दोनों साइड से इधर ये देखें दोनों साइड से इस साइड से भी निकली हुई है और इधर एक ब्रांच जा रही है वो एंटीरियर साइड पर भी और पोस्टीरियर साइड पर भी ब्रांच जा रही है। दूसरा ओविडक्ट इधर इस साइड पर निकली हुई है और इधर भी ब्रांचेस जा रही हैं एक ऊपर और एक नीचे। इन ब्रांचेस के ऊपर जॉग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको विटलाइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये है ओवरी ओविडक्ट और उसके बाद ये ओविडक्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है जॉग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाली साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ मैस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मेलिस ग्लैंड्स। ठीक है, ये यूनिसेलुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो जिनको कहते हैं मेलिस ग्लैंड्स। तो ये मेलिस ग्लैंड्स के बाद नीचे जो डक्ट जा रही है, मेलिस ग्लैंड के नीचे जो डक्ट जा रही है इस डक्ट को कहते हैं यूट्रस। ठीक है, ये वाली जो डक्ट है जो मेलिस ग्लैंड के नीचे से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जेनिटल पोर के अंदर जाके खुल रही है, इस डक्ट को कहते हैं यूट्रस। तो यहाँ पर एक और लिखा है ऊ टाइप लिखा है। ऊ टाइप जो होता है यहाँ पर ओविडक्ट और यहाँ पर जो मेलिस ग्लैंड है इसके नीचे ओविडक्ट और यूट्रस जो है वो दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ऊ टाइप, जहाँ पर ओविडक्ट और यूट्रस दोनों डक्ट एक पॉइंट पे आकर मिलती हैं उस पॉइंट को कहेंगे ऊ टाइप। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। और जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोनों जो है ये कॉमन ओपनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इन जो जेनिटल पोर होता है सेम जेनिटल पोर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जाकर जो है दोनों की ओपनिंग जो होती है यहाँ पर सेम हो जाती है। तो ये कॉमन जेनिटल पोर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज़रा जूम करके देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी के बाद मैंने बताया कि ये वाली जो डक्ट है ये वाली डक्ट इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ। ओवरी के बाद ये वाली डक्ट जो है ये ओविडक्ट है और ओविडक्ट जो है यहाँ पर निकल रही है और ओविडक्ट यहाँ पर क्या अटैच है, यहाँ पर सेमिनल रिसेप्टकल अटैच है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल रिसेप्टकल। सेमिनल रिसेप्टकल के अंदर आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पर आकर स्टोर कर जाते हैं सेमिनल रिसेप्टकल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये जो ओविडक्ट है नीचे आ रही है और नीचे आकर यहाँ जा रही है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पर ये ओविडक्ट निकल रही है इस साइड से भी और इधर से भी, और इस तरह ये एच शेप स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, ये एच टाइप का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर ओविडक्ट ने बनाया। और यहाँ पर ओविडक्ट के ऊपर यॉग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं जिनको विटलाइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेलिस ग्लैंड्स, मैंने बताया कि यहाँ पर मेलिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उसके बाद नीचे यूट्रस प्रेजेंट है। जो यूट्रस जो होती है ये जाकर जेनिटल पोर के अंदर ही ओपन होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक यहाँ पर और स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पर ग्रीन से ड्रा कर रही हूँ, ये वाली एक एक्स्ट्रा डक्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है और इस डक्ट को कहते हैं लॉरल्स, लॉरल्स कैनाल। ये वाली जो कैनाल है ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही निकलती है, ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही ये शो होती है और ये डोर्सल साइड पर बनती है ब्रीडिंग सीजन के अंदर। ये एज अ वजाइना के तौर पर यूज़ होती है जहाँ से कॉपुलेशन होती है इस जगह से और स्पर्म जो है एंटर होता है लॉरल्स कैनाल्स के ज़रिए से। लेकिन इसके अलावा नॉर्मली जो है वो स्पर्म जेनिटल पोर के थ्रू ही एंटर करता है
जब जो फ्लूक्स होते हैं जब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं या फिर वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस दौरान भी जेनिटल जो पोर होता है नॉर्मली इधर से ही स्पर्म एंटर करता है, लेकिन लॉरल्स कैनाल जो है ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनती है और इधर से भी स्पर्म एंटर करता है और स्पर्म जो है वो जाकर फिर सेमिनल रिसेप्टकल के अंदर स्टोर हो जाता है और इधर से ओवरी से एग निकलता है और फिर यहाँ पर इनके अंदर यहीं पर इस जगह पर यहाँ पर फिर क्या हो जाती है फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बना देते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है ये जो वर्टिब्रेट होता है उसके उसके बाइल डक्ट के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो बाइल डक्ट होता है वहाँ पर ये जो फ्लूक्स होते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर जाके बाइल डक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं और यहाँ पर उसके बाद फिर जो है यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, फिर ये एग यहाँ पर यूट्रस में आता है और यूट्रस से मूव करके जेनिटल पोर के थ्रू ये अपने एग्स को रिलीज़ कर देते हैं। फिर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके अलावा एक और सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम इसकी डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेटरल साइड है इन लेटरल साइड के अंदर फ्लेम सेल्स एंड ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करती हैं। यहाँ पर फिर एक्सक्रीटरी ब्लैडर होता है और इस एक्सक्रीटरी ब्लैडर के अंदर वेस्ट स्टोर हो जाता है और फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ओरल सकर होता है, इसके अलावा यहाँ पर एक वेंट्रल सकर भी होता है। ये इस जगह पर इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है ये इस जगह पर ये जो इसकी वेंट्रल सरफेस है वेंट्रल सरफेस पर भी एक सकर होता है जिसको वेंट्रल सकर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओरल सकर प्रेजेंट है माउथ पार्ट के अंदर, इसी तरह यहाँ पर वेंट्रल साइड पर एक और सकर होता है जिसको वेंट्रल सकर कहते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर ये दो सकर होते हैं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनस नहीं होता, ठीक है, एनस नहीं होता। और ये जो डाइजेशन के बाद वेस्ट वगैरह होता है उस सारे वेस्ट को ये अपने माउथ से ही बॉडी से रिमूव करते हैं।